आज मेरे पास आया है काफी बड़ा बॉक्स और इसके अंदर है एक काफी बड़ी वाली कार। तो पहले बॉक्स को निकाल लेते हैं कार के अंदर से बाहर। अभी अभी कुरियर वाला मेरे को ये देके गया है गाइस, तो इसको मैं रखूंगा इधर। तो गाइस इसके अंदर मैंने मंगवाई है एक काफी बड़े साइज की जीप। इसको मैंने 10,000 रुपीज में खरीदा है और गाइस ये 10,000 रुपीज वाली बिग साइज कार का कंपैरिजन भी करेंगे 1,00,000 रुपीज वाली एक्स मैक्स और 1,00,000 रुपीज वाली ट्रैक्सेस XRT के साथ। देखते हैं गाइस हमारी टॉर्चर टेस्ट में कौन सी कार आज बच पाएगी। चलो फटाफट से पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। कौन सी कार मैंने मंगवाई है अमेजोन से फटाफट से आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है। गाइस आपने अभी तक ये वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से दबा देना। ये रही गाइस हमारी बड़े साइज वाली जीप रूबीकॉन। एक बार इसका साइज तो देखो कितना ज्यादा बड़ा है। एक्चुअल में ये कार जो है अलग अलग पार्ट्स में आती है, सारे पार्ट्स जोड़ के कार को बिल्ड करना पड़ता है। देखो ये इसके कुछ पार्ट्स है, फिलहाल मैं इनको साइड में रख लेता हूं। यहां पे इसके साथ एक रिमोट कंट्रोलर भी मिला है। ये इसकी स्टीयरिंग है और गाइज ये है इसके काफी बड़े साइज के 4 टायर्स। टायर्स को भी मैं निकाल लेता हूँ फटाफट से बाहर। और देखो ये इसकी सीट है और ये भी इसके सीट का ही एक पार्ट है। यहाँ पे आप इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देख सकते हो, ये इसका चार्जर वगैरह है और भी बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं। और यहाँ पे इसके बहुत सारे स्टिकर्स, इन स्टिकर्स को भी निकाल लेते हैं बाहर फटाफट से। यहाँ पे देखो गाइस इसके अंदर 2 बड़ी-बड़ी बैटरीज लगी है, साथ में हर एक टायर के अंदर ब्रशड मोटर भी लगाई गई है। यानी कि ये जो जीप है कम्प्लीटली 4x4 है। तो आज देखते हैं गाइस क्या ये एक्स मैक्स और XRT को हरा पाएगी या फिर नहीं। पहले मैं जीप को निकाल लेता हूँ फटाफट से, इसको असेंबल करेंगे फिर गाइस इसका टॉर्चर टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ये मैंने इसको निकाल लिया है। ओके देख सकते हो पन्नी वन्नी लगी हुई है। फिलहाल ये जो पन्नी है यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये एक बार सामने से इसका लुक देखो यार, यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी लाइट्स है और इसके अंदर तो DRLs वगैरह भी दी गई है। ये रहे इसके टायर्स, तो चलो पहले टायर्स को फिट कर देते हैं। ये टायर आएगा यहाँ पे, देखो टायर्स फिट करना काफी ज्यादा इजी है। अभी सिर्फ मेरे को इसके ऊपर एक नट लगाना है तो टायर इसका फिक्स हो जाएगा। ये दूसरा वाला टायर भी मैंने लगा दिया है। आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, जब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 40 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था। गाइस हमारे यहाँ तो ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आपके पास टेम्परेचर कितना है नीचे कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। इधर कैप्स भी दिए गए यार, ये कैप्स को यहाँ पे लगाना पड़ता है देखो, ताकि इसका जो नट है ये दिखाई ना दे सके। यहाँ पे भी मैं ये जो हमारी जीप का बम्पर है इसको फिट करते हैं गाइस। ये शायद इस तरीके से आ जाएगा, देखो थार के अंदर भी इस तरीके का बम्पर आप लोगों ने देखा होगा। ओके गाइस इसका बम्पर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, तो अभी नीचे 2-3 स्क्रूज फिट करने पड़ते हैं, वो भी एक बार यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। देखो इसको मैंने नीचे से पलट दिया है, तो ये इसका मैकेनिज्म वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो स्क्रू है यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ ताकि बम्पर बिल्कुल भी हिले नहीं। तो गाइस ये इसकी स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। देखो इसकी स्टीयरिंग भाई काफ़ी ज़्यादा अलग मेरे को लग रही है, शायद ये इधर से फिक्स हो जाएगी। अच्छा इसके स्टीयरिंग के अंदर कंट्रोल्स वगैरह भी दिए गए हैं, कंट्रोल्स किस तरीके से काम करेंगे ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसका एक कनेक्टर है ताकि इसको पावर वगैरह मिल सके, यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया है। ओके ये वायर्स को इसके अंदर डाल देते हैं फिलहाल। ओके ये स्टीयरिंग यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगी। ये लो भाई स्टीयरिंग लग चुकी है। इसके अंदर भी देखो इस तरीके का ये जो नट है ये लगाना पड़ता है। अब ये बोल्ट को टाइट कर देते हैं फिर स्टीयरिंग यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। इसके साथ मेरे को रोल ओवर बार्स भी मिले हैं, देखो देखो इसको मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे रख के बता रहा हूँ। और अगर लुक्स की बात करूँ तो सामने की तरफ से बिल्कुल ये एक मॉडिफाइड थार जैसी दिखाई दे रही है। तो यार इसके साथ बहुत सारे मेरे को इस तरीके के स्टिकर्स मिले हैं, तो थोड़े से स्टिकर्स मैं इसके ऊपर चिपका देता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ ऊपर चिपकाऊंगा इधर, ठीक है। चलो अभी हमारी जीप को ऑन करते हैं। यहाँ पे इसके बहुत सारे स्विचेस दिए गए हैं, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। देखो ऑन करते ही इसके अंदर इस तरीके की आवाज़ आने लगती है। यहाँ से मैं इसको फॉरवर्ड चला सकता हूँ, यहाँ से इसको रिवर्स भी चला सकता हूँ। यहाँ पे एक एक्सेलरेटर भी दिया गया है, इसको प्रेस करने से भी ये आगे पीछे हो सकती है और रिमोट से भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये चला रहा हूँ मैं इसको, ओ भाई साहब काफ़ी आराम से चल रही है। ये देखो गाइस इसको मैं लेफ्ट राइट भी करा रहा हूँ और ये इस तरीके से लेफ्ट राइट भी चल रही है रिमोट कंट्रोलर से। ये अभी मैं टर्न करा रहा हूँ इसको, ये इस तरीके से टर्न भी हो रही है सही तरीके से।
ओके तो गाइस 10,000 रुपीज के हिसाब से मेरे को लग रहा है ये जो जीप है एकदम वर्थ है। तो आप देखते हैं गाइस इसका टफनेस टेस्ट करके क्या ये हमारी एक्स मैक्स की बराबरी कर पाएगी या फिर नहीं। उससे पहले एक काम करते हैं गाइस XRT को निकाल लेते हैं डिब्बे से बाहर। ये आ गई हमारी XRT बाहर। XRT के टायर्स अलग से खोल के रखना पड़ता है डिब्बे के अंदर डालने के लिए। फटाफट से इसके जो टायर्स है ये फिक्स कर देते हैं। इसके टायर्स बहुत ज्यादा कस के टाइट करने पड़ते हैं वरना गाइस ये खुल भी सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा इसकी टॉप स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इन लोगों को चलाने से पहले इनका प्राइस भी बता देता हूँ। होवरबोर्ड को मैंने 25,000 रुपीस में खरीदा था, एक्स मैक्स को 1,00,000 रुपीस में, XRT को भी 1,00,000 रुपीस में, और ये जीप सबसे ज्यादा सस्ती है भाई, इसको मैंने सिर्फ 10,000 रुपीस में खरीदा था। देखेंगे इस क्या आज ये 10,000 रुपीस वाली बड़ी सी जीप अपनी एक्स मैक्स और XRT का मुकाबला कर पाएगी या फिर नहीं। सबसे पहले एक काम करते हैं इसका वेट कैरी टेस्ट करेंगे गाइस। देखते हैं क्या ये जीप ये सभी कार्स का वेट लेके जा पाएगी या फिर नहीं। एक्समैक्स को भी इसके ऊपर रख देते हैं। ये हमारा होवरबोर्ड, होवरबोर्ड को भी यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो अब इसको चला के देखते हैं गाइस क्या ये इतना ढेर सारा वेट लेके चल पाएगी या फिर नहीं। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको। ओ माय गॉड गाइस देखो यार, ओहो यहाँ से तो एक्समैक्स फिसल के नीचे गिर गई है। तो इसको एक और बार इसके ऊपर रखूंगा मैं। थोड़ा धीरे धीरे चलाते हैं। मेरे को नहीं लगा था कि ये इतनी आसानी से इतना ज़्यादा वेट लेके भी चलेगी। स्पीड इसकी जरा भी कम नहीं हुई है और इसकी पावर तो एकदम लाजवाब है। बहुत मस्त तरीके से चल रही है ये। आप देखते हैं गाइस क्या ये जीप मेरा वजन लेके चल पाएगी या फिर नहीं। अभी इसके अंदर मैं बैठने वाला हूँ, ठीक है। ये एक पैर मैंने रख दिया है। ओ सस्पेंशन देखो पूरा नीचे दब रहा है। ये दूसरा पैर भी मैंने रख दिया है। तो देखते हैं गाइस क्या ये अब चल पाएगी या फिर नहीं मेरा वेट लेकर। यहाँ पे तो यार मैं इसके अंदर बैठ नहीं सकूंगा क्योंकि इसकी जगह बहुत ही छोटी सी है। तो चला रहा हूँ गाइस अभी मैं इसको। ओ माय गॉड गाइस देखो ये चल रही है यार मेरा वेट लेकर। ओ भाई क्या ही बोलूं यार ये जीप के बारे में। सच में यार ये इतनी ज्यादा टफ होगी मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। देखो मेरा वेट है 65 kg। मजा आ गया गाइस इसको चला के। तो यार चलो अभी रेस कराते हैं इन तीनों कार्स के बीच में, देखते हैं इन तीनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट। ये रेस स्टार्ट हो चुकी है तीनों के बीच में। ओ गाइस देखो XMAX और XRT कितना ज्यादा आगे निकल चुकी है। यही फर्क होता है यार 10,000 रुपीस कार वर्सेस 1,00,000 रुपीस कार के बीच में। अब एक काम करते हैं गाइस आमने सामने वाली फाइट कराते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ये क्या हो गया यहाँ पे, जीप ने यार एक तरफ XMAX को भी गिरा दिया है, दूसरी तरफ देखो गाइस XRT को भी इसने नीचे पटक के रख दिया है। भाई ये तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। जीप बहुत ज्यादा पावरफुल है। बाकी पुशबैक तो गो फॉर में पता चलेगा कौन जीतता है। अब ये जीप के साथ कराते हैं ऑफ रोडिंग। यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा गड्ढा है। अभी ये जीप को मैं सीधा ये गड्ढे के अंदर उतारने वाला हूँ, देखते हैं गाइस क्या होता है। वन ये चल पड़ी है हमारी जीप। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड देखो गाइस ये जो गड्ढा है काफी ज्यादा बड़ा है। ये गड्ढे के अंदर रास्ता भी देखो काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है। मतलब भाई इसकी जो ऑफ रोडिंग देखकर मैं तो शॉक हो चुका हूँ कम्प्लीटली। ओ माय गॉड मेरे को लग रहा है ये 4x4 होने के कारण इसलिए इतनी आराम से इतने देखो उबड़ खाबड़ रास्ते पे भी बहुत ज्यादा इजिली चल पा रही है। अब देखते हैं क्या ये जीप गड्ढे के अंदर से बाहर निकल पाएगी या फिर नहीं। ओ भाई यहाँ पे तो पूरी कोशिश कर रही है अपनी जीप ऊपर चढ़ने के लिए, पर सैडली देखो गाइस इसके जो टायर्स है ना ये प्लास्टिक के बने हैं, इस वजह से इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही है। फुल ट्रिगर भी मैंने इसका दे रखा है, ये इससे ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पा रही है गाइस। तो अब सेम टेस्ट XRT और XMAX के साथ भी करेंगे ये खाई के अंदर। ओके पहले XMAX को मैं नीचे उतारने वाला हूँ। ये XMAX काफी आसानी से नीचे उतर चुकी है।
ओके XRD भी बिल्कुल सही सलामत नीचे उतर के आ चुकी है। देखो गाइस XMAX का सस्पेंशन काफी ज्यादा स्मूथ है यार, मेरे को नहीं लगता ये कहीं पे भी फंसेगी है गड्ढे के अंदर। ये XRD भी देखो, ये भी बहुत ही खराब रास्तों में बहुत ही अच्छे तरीके से चल सकती है। अब देखते हैं क्या XMAX से गड्ढे के अंदर से निकल पाएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड, XMAX एक जंप लगा के निकल के आ चुकी है बाहर। अब XRD के साथ सेम टेस्ट करते हैं, पहले इसको पीछे ले लेते हैं, जंप कराने वाला हूं मैं, देखते हैं गाइस। ओ भाई, ऑफ रोड चलने के मामले में XMAX और XRD को कोई भी नहीं हरा पाएगा। यहाँ तक कि जीप देखो इन दोनों से दो गुना ज्यादा बड़ी थी, फिर भी यार XRD और XMAX दोनों गड्ढे में से निकल के आ चुके हैं और जीप वहीं पे ही फंस के रह गई थी। तो गाइस अब देखो मैं कराने वाला हूँ पुशबैक XMAX वर्सेस ये 10,000 रुपीज की जीप के बीच में। देखते हैं गाइस क्या ये 1,00,000 रुपीज वाली XMAX इसको पुशबैक में हरा पाएगी या फिर नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब कि जीप ने तो यार इसको थोड़ा सा भी चांस नहीं दिया है उठने का। देखो जीप इसके ऊपर कम्प्लीटली चढ़ाई कर चुकी है, क्लियरली यहाँ पे जीप जीत चुकी है। ये तो मेरे लिए काफी बड़ा सरप्राइज था दोस्तों। ओके अब XRD के साथ इसकी फाइट कराते हैं, देखते हैं इसके XRD इसको हरा पाएगी या फिर नहीं। ओ तेरी भाई, ये क्या हो गया, दोनों गड्ढे में गिर चुके हैं यहाँ पे। तो यार मेरे को लगा था कि XRD जीत जाएगी, पर जीप इसके बराबर की पावर वाली कार मेरे को लग रही है। दोनों ही यहाँ पे गड्ढे में गिर चुके हैं और दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। हम होगी टोगो फॉर XMAX वर्सेस जीप के बीच में, देखते हैं गाइस क्या XMAX इस बार इसको हरा पाएगी या फिर नहीं। गॉड, जीप को ये काफी ज्यादा आसानी से घसीट के लेके जा चुकी है। देखो गाइस इसने इसको कितनी दूर तक घसीट लिया है, पर ये देखो XMAX रोड के ऊपर लेटी हुई है और अपनी जीप जैसी की तैसी खड़ी है। मतलब कि भाई ये जो जीप है इसको काफी कड़ी टक्कर दे रही थी, पर क्लियरली यहाँ पे जीप जीत चुकी है। ये तो मेरे लिए काफी बड़ा सरप्राइज था दोस्तों। अब कराते हैं XRD वर्सेस जीप के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। XRD इससे दो गुना ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है। जीप को तो यार इसने थोड़ा सा भी चांस नहीं दिया है रोकने के लिए। क्लियरली यहाँ पे XRD जीत चुकी है टग ऑफ वॉर के मामले में। मजा आ गया गाइस। अगर गाइस मैं आपको सच बताऊं तो ये जो जीप है मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा रफ एंड टफ भी है। तो क्लियरली गाइस पावर के मामले में अपनी जीप जीत चुकी है और स्पीड के मामले में XRD और XMAX जीत चुकी है। वैसे तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको जीप अच्छी लगी या फिर XMAX अच्छी लगी। चलो अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है राजीव गौतम, अनिमेश रुमान, जब्बार अथर्व, किशोर मनिंदर, दिनेश मुदस्सिर, सूर्या। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पे कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय।